हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप वेरी वेल। आई एम पारुल एंड वेलकम टू VMA फैमिली। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न एंड स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न। आज के इस वीडियो में हम कैपिटल पी कर्सिव पैटर्न में कैसे राइट करते हैं एंड स्मॉल पी कर्सिव पैटर्न में कैसे राइट करते हैं ये देखेंगे। ओके, पी फॉर होता है पैरट, पी फॉर पैरट, पी फॉर पैरट। एंड पी फॉर क्या होता है? पिलो, पी फॉर पिलो, पी फॉर पिलो। पैरट मीन्स तोता एंड पिलो मीन्स तकिया। एंड और क्या होता है पी फॉर, वो आप लोग सोचेंगे एंड सोचकर मम्मा को बताएंगे। चलिए देखते हैं पी कैसे राइट करते हैं। लुक एट हियर, कैपिटल पी होता है आपका थ्री लाइंस में, 1 2 3 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हुए ब्लू तक आना है। ओके, बैक जाना है, बैक में जाते हुए ऐसे ब्लू रेड से टच करते हुए ब्लू पर ऐसे टच करेंगे आके हाफ सर्कल बनाते हुए, ये होता है आपका कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न। क्लियर? एंड दिस इज कॉल्ड आल्सो पी, बट दिस इज इन सिंपल वे एंड दिस इज इन कर्सिव पैटर्न। क्लियर? आपको क्या करना है, रेड लाइन पे पेंसिल रखनी है, स्टैंडिंग लाइन लेते हुए जाना है ब्लू तक, पीछे जाएंगे, बहुत दूर से नहीं पास से ही ऐसे टर्न करेंगे, टर्न करते हुए आएंगे रेड तक, रेड में टच करते हुए हाफ सर्कल बनाते हुए ब्लू में टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन में टच करेंगे। ये आपका होता है कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न, कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न। लुक अगेन, फिर से देखें, रेड लाइन पर पेंसिल रखना है, स्टैंडिंग लाइन लेते हुए ब्लू तक आना है, ब्लू से फिर ऊपर की तरफ टर्न करेंगे, ऐसे टर्न करते हुए रेड तक जाना है स्टैंडिंग लाइन से टच करते हुए, जाते हुए आपको हाफ सर्कल ड्रॉ करना है ब्लू लाइन तक और उसको ज्वाइन कर देना है। कहाँ तक, कहाँ ज्वाइन कर देना है? स्टैंडिंग लाइन में। ये होता है आपका कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न। ओके, कैपिटल पी होता है कर्सिव पैटर्न में। जितने भी आपको ट्रेस करने के लिए दिए गए हैं वो आप ट्रेस करेंगे, आफ्टर दैट आप राइट करेंगे। कैसे राइट करेंगे? रेड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, ब्लू लाइन तक आएंगे स्टैंडिंग लाइन लेते हुए, फिर क्या करेंगे, बैक आएंगे, रेड में टच करेंगे, रेड में टच करते हुए हाफ सर्कल बनाएंगे ब्लू तक। ओके, ये होता है आपका कैपिटल पी एंड कर्सिव पैटर्न। ये आपका कैपिटल पी होता है कर्सिव पैटर्न में। लुक अगेन, फिर से देखें, रेड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, ब्लू लाइन तक आएंगे स्टैंडिंग लाइन लेते हुए, टर्न करेंगे ऐसे, ऊपर की तरफ जाएंगे रेड में टच करते हुए और हाफ सर्कल बनाएंगे। कहाँ तक? स्टैंडिंग लाइन तक। और कहाँ से टच करते हुए? ब्लू से टच करते हुए। क्लियर? ये आपका होता है, क्या होता है, कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न। ओके, नाउ लुक एट हेयर केयरफुली, दिस इज स्मॉल पी, दिस इज स्मॉल पी। ये आपका स्मॉल पी होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल पी होता है आपका फोर लाइंस में, 1 2 3 4 मीन्स रेड से रेड तक। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, स्मॉल पी होता है फोर लाइंस में। अगर आप उसको थ्री लाइंस में करेंगे तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ओके, आपको क्या करना है, थर्ड लाइन पर पेंसिल रखते हुए बनाना है पी। कैसे राइट करते हैं देखिए, 1 2 3 थर्ड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, स्टैंडिंग नहीं, कौन सी, स्लैंटिंग लाइन पहले बन, स्लैंटिंग क्या कहेंगे इसको, स्लैंटिंग को हल्का सा क्या करते हैं, मोड़ दे देते हैं ऐसे, इसको लेके जाते हैं कहाँ तक, रेड तक। ओके, रेड से ब्लू तक नीचे आते हैं बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन में, कौन सी लाइन में, स्टैंडिंग लाइन में, पेंसिल नहीं उठाना है। अब स्टैंडिंग लाइन से जाते हुए फर्स्ट ब्लू लाइन में टच करते हुए ऐसे टर्न करेंगे और ब्लू तक आएंगे, ब्लू से टच करते हुए ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे। ये आपका होता है स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न, स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न। कैसे राइट करेंगे, 1 2 3 थर्ड लाइन पर पेंसिल रखें, रखा, ऊपर की तरफ जाइए, स्लैंटिंग लाइन लेके भी जाएंगे तब भी सही है। ओके, फिर नीचे की तरफ आएंगे
स्टैंडिंग लाइन लेते हुए रेड तक आएंगे। अब पेंसिल नहीं उठानी है, फिर उसी के ऊपर ऊपर जाना है, ठीक है। ऊपर ऊपर जाते हुए ब्लू में टच करते हुए आपको ऐसे ये टर्न कर देना है, ऐसे, ठीक। अब छोड़ेंगे नहीं इसको, फिर क्या करेंगे, ब्लू में टच करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ छोटी सी डिज़ाइन दे देंगे। ये आपका होता है स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न। स्मॉल पी आपका होता है फोर्थ लाइन में, 1 2 3 4 पूरी पूरी लाइन में होता है, रेड से रेड तक। कैसे राइट करते हैं देखें, 1 2 3 थर्ड लाइन पर पेंसिल रखा, ऊपर की तरफ जाना है ऐसे, ये लाइन ऐसे लेके जाएंगे, देख रहे हैं ना, जैसे सी की लाइन लेके जाते थे। जाएंगे, जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, कौन सी लाइन लेके, स्टैंडिंग लाएंगे या फिर स्लैंटिंग लाएंगे, कोई भी लाएंगे चलेगी, ओके। फिर ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे, उसी लाइन के ऊपर ऊपर ब्लू में टच करते हुए डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बनाते हुए ब्लू से टच करते हुए ऐसे, और डिज़ाइन बना देंगे ऐसे, ओके। देख रहे हैं ना, टर्न करते हैं, टर्न करते हुए इसमें छोटी सी डिज़ाइन बना देते हैं, ऐसे दे देंगे, ये हो जाएगा आपका स्मॉल पी। देखिए, ऊपर जाइएगा, नीचे आइएगा, ऐसे स्टैंडिंग लाइन लेते हुए, फिर क्या करेंगे, ब्लू से टच करते हुए ऐसे, जैसे एच बनाते थे वैसे बनाएंगे, एच किए, जैसे एच में ऐसे करते थे ऐसे ही किया, फिर आपको क्या करना है, ऐसे डिज़ाइन दे देना है। एक और बात, अगर आप लोग ऐसे थर्ड लाइन तक लाएंगे और ऐसे करेंगे तो वो आपका एच लगने लगेगा, जो कि हो जाएगा रॉन्ग, इसलिए ध्यान रखना है। पी आपका आएगा फोर्थ लाइन तक, ओके, पी आपका आता है फोर्थ लाइन तक, क्लियर है ना इतना, ओके। फिर से देख लीजिए, 1 2 3 थर्ड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, ऊपर की तरफ जाइएगा, नीचे की तरफ आइएगा, रेड लाइन तक, फिर लाइन के ऊपर ऊपर चलेंगे, लाइन से इधर उधर नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर धीरे धीरे जाएंगे, जाते हुए ब्लू में टच करते हुए जैसे एच में बनाते थे डिज़ाइन, ऐसे बनाएंगे यू जैसी, उल्टा यू जो होता है, और ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी सी छोटी सी लाइन से लाइन बना देंगे। ये होता है स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न, ओके। बेटा कॉपी में कैसे राइट करते हैं ये आप लोग देखें, कॉपी और बुक में राइट करने का पैटर्न एक ही है, बस आपको ये करना है कि कॉपी में कैपिटल देन स्मॉल, फिर कैपिटल उसके आगे स्मॉल, ऐसे राइट करना है। कैपिटल पी हमने कैसे बताया था, थ्री लाइंस में रेड पर पेंसिल रखेंगे, ब्लू तक आएंगे, पीछे से टर्न करेंगे, रेड में टच करेंगे, फर्स्ट ब्लू लाइन में ऐसे टच करते हुए स्टैंडिंग लाइन में ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न। स्मॉल पी राइट करने के लिए क्या करते हैं, थर्ड लाइन पर पेंसिल रखते हैं, 1 2 3 थर्ड लाइन पेंसिल रखा, ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे लाइन लेकर, फिर क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे रेड लाइन तक, ओके, उसी के ऊपर ऊपर चलेंगे, ब्लू से ब्लू तक, जैसे इसमें डिज़ाइन बनाते थे उल्टा यू वाली वैसे बनाएंगे, और ऐसे इसमें क्या करेंगे, टेल बना देंगे, ये हो जाएगा स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न। क्या हो जाएगा, स्मॉल पी इन कर्सिव पैटर्न। फिर से देखें, लुक अगेन, कैपिटल पी के लिए क्या करेंगे, रेड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, ब्लू तक आएंगे, बैक जाएंगे, ब्लू रेड में टच करते हुए, ब्लू से टच करते हुए क्या करेंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे और ज्वाइन कर देंगे कहाँ, स्टैंडिंग लाइन पर। ये आपका होता है कैपिटल पी इन कर्सिव पैटर्न। स्मॉल पी राइट करने के लिए क्या करते हैं, 1 2 3 थर्ड लाइन पर पेंसिल रखेंगे, ऊपर तक जाएंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, आते हुए फिर क्या करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ब्लू से ब्लू तक उल्टा यू बनाएंगे, ऐसे बनाते हुए टेल बना देंगे ऐसे, ब्लू से आगे नहीं आना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, और ये जो लाइन होती है ये भी रेड तक लानी है, अगर रेड तक नहीं लाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ही लेटर के नीचे लेटर राइट करते हुए आप लोग वर्क कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, उसको ग्रुप पर भेजेंगे चेक करने के लिए, अंडरस्टैंड, थैंक यू।